बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी सीख कबाब कढ़ाई। तो चलिए देखते हैं कि हमें सीख कबाब कढ़ाई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा किलो कीमा, 2 मीडियम साइज़ के चॉप प्याज, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून अजवाइन, 1 टी स्पून कुटा ज़ीरा, 4 अदर टमाटरों का पेस्ट, 1/2 कप दही, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे कीमा। कीमे के अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब हम बाकी का मसाला डालेंगे। बाकी के मसालों में से हम आधा मसाला डाल देंगे और जो मसाला हमारे पास बच जाएगा हम कढ़ाई में डालेंगे। अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बेसन और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छे से जुड़ जाएं। मसाला तकरीबन हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब को हम एक स्टिक के ऊपर लगाकर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई कर देंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल गरम कर लिया था। अब हम इनमें तमाम कबाब डालकर इनको हल्का फ्राई करेंगे। यहाँ पर कबाब हमारे तकरीबन हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इनका साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको एक डिश में निकाल कर एक साइड पर रख देते हैं। अब हम इसी ऑयल में 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज डालकर इसको हल्का भुनेंगे। प्याज को हम इतनी देर पकाएंगे कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए और ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। प्याज की रंगत हल्की तब्दील हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम बाकी के खुश्क मसाले डाल देंगे। बाकी के मसाले हमने डाल दिए। अब हम इनको भी थोड़ा सा भुनेंगे। मसाले हमारे भुन गए। अब हम इन मसालों में टमाटर का पेस्ट और दही डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। टमाटर को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर टमाटर भुन गए हैं और उनका सारा पानी खुश्क हो गया है और मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी सूखी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए। मेथी डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाती है। मेथी को भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इस पॉइंट में डाल देंगे फ्राई किए हुए सीख कबाब। कबाब को डालने के बाद हम इसको कवर करके दम पर रख देंगे ताकि मसाले की खुशबू अच्छे से कबाब में चली जाए। तीन से चार मिनट गुजर गए हैं और सीख कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार और स्पाइसी सी सीख कबाब कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।